बाकी बच्चों के लिए वो सपना होगा वो भूल भी गए होंगे बट मैं नहीं मुझे वो सपना नहीं दिख रहा था मुझे वो अपना फ्यूचर दिख रहा था तो अभी सत्रह साल का है सत्रह साल की उम्र में क्या बिजनेस करेगा बेटा नब्बे दिन तक मैंने अपने मोटिवेशन को सस्टेन किया फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज भी अच्छे से याद है ये नाइन्थ क्लास की बात है एक दिन हम सब बच्चे क्लास में बैठे होते हैं और हमारे एक टीचर क्लास में एंट्री करते हैं और आकर बोलते हैं कि आज मैं तुम सबको एक एक्टिविटी कराने वाला हूं और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये कोई एक्टिविटी होगी बहुत मजा आएगा और वो बोलते हैं कि तुम सब अब आंखें बंद कर लो और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा बिल्कुल वैसे वैसे फॉलो करना और मुझे उसके बाद अपनी फीलिंग्स बताना अब वो बोलते हैं कि आंखें बंद करने के बाद इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है लोग हल्ला मचा रहे हैं शोर मचा रहे हैं उछल रहे हैं कूद रहे हैं और स्टेडियम के बीचों बीच में एक स्टेज है एक सफेद कलर का स्टेज बना हुआ है बिल्कुल गोल वहां पे एक आदमी खड़ा है लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहा है बट कोई शांत नहीं हो रहा एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज एंट्री करती है और सीधा स्टेज पर चढ़ जाती है वो आदमी बाहर निकलता है एंकर उन्हें माइक देते हैं वो आदमी बोलना शुरू करता है और बोलने के बाद एक ऐसी स्पीच देता है कि पूरा का पूरा स्टेडियम मंत्रमुग्ध हो जाता है मेजमराइज हो जाता है वो इंसान गाड़ी में बैठते हैं और वहां से स्टेज से जब उतर रहे होते हैं स्टेडियम से बाहर निकल रहे होते हैं लोग अपनी सीटें छोड़ के ग्राउंड पे उतर जाते हैं और उनके पीछे भाग रहे होते हैं कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि उन लोगों की जिंदगी बदल जाएगी वो आदमी शीशा नीचे करता है पीछे का और हाथ बाहर निकालते हुए बाय करता है और रियर व्यू मिरर में उस आदमी को अपनी शक्ल दिखती है और वो आप होते हो जब उन्होंने ऐसा मुझे इमेजिन कराया था मैं वो फीलिंग में बाहर ही नहीं निकल पाया मुझे उस दिन ऐसा लगा कि अगर ज़िंदगी बनानी है तो ऐसी बनानी है मुझे वो सपना नहीं दिख रहा था मुझे वो अपना फ्यूचर दिख रहा था बाकी बच्चों के लिए वो सपना होगा वो भूल भी गए होंगे बट मैं नहीं भूला और उस सपने को हकीकत में मैंने बदल दिया और आज आपके सामने खड़ा हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि वो जर्नी मैंने कैसे पूरी करी वो जर्नी आसान नहीं थी उसे करने में क्या क्या लगा क्या क्या एफर्ट्स लगे वो पूरा आज आप सब जानने वाले हैं आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड तो वो नाइन्थ क्लास के बच्चे को जब ये सपना आया मेहनत करते करते पढ़ाई करते करते कब ट्वेल्थ आ गई पता नहीं लगा बट ट्वेल्थ का जब मैंने एग्जाम दिया फाइनल वो सपना दोबारा से मेरे सामने आ गया वो जहन से निकला ही नहीं था कि अब करना क्या है ट्वेल्थ के बाद एक बच्चे को अपना करियर चूज करना होता है मैंने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम दिए थे मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम दिए थे बट मुझे ऐसा लगा कि मैं ना तो एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन पाऊंगा ना एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा मेरा पैशन कहीं और है जो मुझे आइडेंटिफाई करना है मुझे तो वो सपना जीना है अपनी जिंदगी में तो उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे एक और बनना है और ये बात जाके मैंने अपने फादर को बताई जब मैंने अपने फादर को यह बात बताई तो कुछ टाइम के लिए मेरे फादर मेरे फादर नहीं रहे हमारी बहस हो गई झगड़ा हो गया क्या बोला उन्होंने कि भाई तू तो अभी सत्रह साल का है सत्रह साल की उम्र में क्या बिजनेस करेगा बेटा सत्रह साल के बच्चे कुछ नहीं कर पाते ऐसे उन्होंने बोला बट मैं कुछ अलग था मैंने उन्हें बोला कि नहीं फादर करना तो यही है कि मुझे कुछ अपना करना है उन्होंने बोला क्या करेगा मैंने बोला कि पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा बट मेरे दिमाग ने बोला कि कुछ बड़ा करते हैं और मैंने सोचा है कि मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोलूंगा अब उन्होंने बोला इंस्टीट्यूट वो कैसे खोल लेगा कैसे होगा अभी तो तूने ट्वेल्थ पास भी नहीं करी रिजल्ट भी नहीं आया और तू पढ़ाना शुरू कर देगा क्या पढ़ाएगा मैंने कहा पापा नाइन्थ क्लास से लेके अभी तक मैंने कॉम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत काम किया है मास्टरी कर ली है और वही सिखाऊंगा और वो मैं कर सकता हूँ अब मेरे फादर को लगा कि पता नहीं मैं पागल हो गया हूँ उन्होंने बोला बेटा चुपचाप से तू अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर उसके बाद नौकरी करनी हो तो नौकरी कर लियो और नहीं करनी तो यूपीएससी के एग्जाम्स दियो अच्छी रैंक ले आई एस ऑफिसर बन जा इससे बढ़िया फक्र की बात क्या हो सकती है नौकर चाकर होंगे तेरे आगे पीछे एक घर मिलेगा तो जो गवर्नमेंट की तरफ से इसके साथ साथ तेरी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती होगी पता नहीं उस वक्त दिमाग में क्या आया मैंने फादर को बोला कि पापा मैंने आज तक फरारी के ऊपर लाल बत्ती नहीं देखी अब मेरे पापा ने बोला बिल्कुल पागल हो गया जा जो करना है कर ले ऐसे बोल दिया उन्होंने अब उन्होंने बोल तो दिया बट मुझे तो अपने सपने पूरे करने थे उस टाइम पे मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि भाई मुझे कोई जगह दिखाओ कि मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना है और दो दिन बाद उसने मुझे एक ऐसी ही जगह दिखाई कभी कभी कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलवाने में लग जाती है भैया इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या कुछ भी कहो मुझे एक चला चलाया इंस्टीट्यूट मिल गया जहाँ के जो ओनर थे उन्होंने किसी भी रीजन से वो जगह छोड़ दी थी और वो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी चल रहा था पूरा फर्नीचर वहाँ पर लगा हुआ था रिसेप्शन बना हुआ था डेस्क लगे हुए थे और वहां पे जाके मैंने फादर को दिखाया कि पापा ऐसी ऐसी जगह है ही हेल्प मी उन्होंने मेरी मदद करी वहां पे कि एक इंस्टीट्यूट चल तो शुरू कर ले अब हुआ क्या कि सत्रह साल की उम्र में मैं इससे पढ़ने कौन आएगा मैंने ऑल दो मार्केटिंग करी पैम्फलेट्स बंटवाए और दूसरे दिन एक बच्चा आया और उसने आते एडमिशन ले लिया कॉम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस में एडमिशन ले लिया तो एक बच्चे से दो हुए दो से चार हुए और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दिया दो महीने के अंदर अंदर मेरे पास सौ बच्चे हो गए अब सत्रह साल की उम्र में मैं सौ बच्चों को पढ़ाता था और एक बच्चे से जो पहला बच्चे ने एडमिशन ली थी उससे मुझे एक हजार रुपए की फीस आई थी तो यह सफर जो शुरू हुआ यह एक हजार रुपए से शुरू हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा आपको बड़ा मजा आएगा आगे मैं आपको बताता हूं तो दो महीने में एक अच्छी खासी कमाई होने शुरू हो गई बहुत प्राउड की बात होती है यह कि एक सत्रह साल का बच्चा अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दे जो कि एक इंसान नौकरी के बाद भी नहीं कमाता तो मुझे अच्छा लगा बट हुआ क्या मैं रुका नहीं ऑल दो मैं हमेशा से सोचता था कि कुछ बड़ा करना है तो वहां पर भी मैंने यही सोचा कि कुछ बड़ा करना है अब एक इंस्टीट्यूट के बाद मैंने सोचा कि यहां पे सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस हो रही हैं सो so क्यों ना यहां पे और सब्जेक्ट्स की भी ट्रेनिंग कराई जाए तो जो एक्सपर्ट्स थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने उन्हें अपने इंस्टीट्यूट में बुलाया और बोला कि यहां पर बच्चे मैं दूंगा आप उन्हें पढ़ाओ और हम सिक्सटी फोर्टी के रेशियो पर काम करेंगे तो मेरे इंस्टीट्यूट में कई सारे बच्चे हो गए कई सारे टीचर्स हो गए और अलग अलग सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई फिर हमने उनकी इंस्टीट्यूट्स की ब्रांचेस खोली अब मेरे पास चार इंस्टीट्यूट हो गए सिर्फ अट्ठारह साल की उम्र में बट फिर दिमाग में आया कि यार ये बिज़नेस तो अच्छा चल रहा है वहाँ पर मैंने एक चीज़ सीखी कि आप काम नहीं भी कर रहे तब भी आप पैसे कमा रहे क्योंकि टीचर्स काम कर रहे हैं तो मुझे बिज़नेस का वहां पे भी समझ आया कि आप बिज़नेस को इसी तरीके से आप और ग्रो कर सकते हो बट वहां पे एक चीज़ मिसिंग थी मैंने देखा कि मैंने जो चीज़ चार साल सीखी और एक इंस्टीट्यूट शुरू किया उसी चीज को सिखाते हुए तो पहले मैंने सीखा था फर्स्ट आई लर्न पहले मैंने सीखा एंड देन आई स्टार्टेड अर्निंग फिर मैंने कमाना शुरू किया और आज भी मुझे ऐसा लगा कि वही मेरा पैशन है तो उसे क्यों ना मैं और ज्यादा अच्छे लेवल पे करूं मैंने कुछ स्कूल्स में अप्रोच किया कि मैं वहां पे आके वर्कशॉप्स कंडक्ट करूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर लीडरशिप के ऊपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बट 18 साल की उम्र के बच्चे को कौन स्कूल में बुलाएगा कि तुम आके सिखाओ और बिल्कुल वही हुआ मैं कई स्कूल्स में अपना प्रपोजल लेके गया बट हर जगह रिजेक्शन सेम 18 साल की उम्र से कौन वर्कशॉप कराएगा बट हुआ क्या फाइनली होता क्या है कि एक लॉ ऑफ एवरेज होता है कि आप बार बार अगर आप काम करते रहोगे तो दस जगह पर नौ जगह नौ मिल जाएगी बट एक जगह आपको यस जरूर मिलेगी मैं गर्ल्स स्कूल में गया और वहां पे जाके मैंने अपना प्रपोजल दिया मेरी प्रिंसिपल से बात हुई और उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक वर्कशॉप करो तो वहां पे मैंने दो घंटे की वर्कशॉप करी और वर्कशॉप कंडक्ट करके मैं घर पे आ गया घर पे आने के बाद मुझे प्रिंसिपल का फोन आता है और प्रिंसिपल बोलती हैं कि आपकी वर्कशॉप का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और हम आपकी और वर्कशॉप कराना चाहते हैं फिर उन्होंने मुझे जब खुद बुलाया वहां पे वर्कशॉप्स हुई फिर और स्कूल्स में मुझे बुलाना शुरू हो गया पहले मैं खुद अप्रोच करता था फिर और स्कूल में उन्होंने मुझे इनवाइट किया फिर मैं कॉलेजेस में गया और कॉलेजेस के बाद मैं कॉर्पोरेट्स के अंदर ट्रेनिंग करना मैंने शुरू कर दिया अब ट्रेनिंग्स अच्छी चल रही थी बहुत मजा आता था मुझे बट होता क्या है कि रोज ट्रेनिंग्स नहीं होती सो वहां पर स्ट्रीम लाइन इनकम नहीं थी कि वो रेगुलर इनकम बनी हुई है कि आप वर्कशॉप कर रहे हो आप सिर्फ तभी पैसे कमा रहे हो वर्कशॉप नहीं हो रही तो नहीं हो रहा और जो मेरे इंस्टीट्यूट से इनकम आ रही है वो उतनी नहीं आ रही कि मेरे सपने पूरे हो जाए सो so, मुझे ये था कि कुछ और शुरू किया जाए कुछ और शुरू किया जाए वेल well, ये क्यूरोसिटी हमेशा से थी कि कुछ बड़ा करना है बड़ा करना है सो so, मैंने वहां पे जितनी भी चीजें मुझे आती थी जो मैंने सीखी थी उनसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग कोर्स इन्वेंट किया और मैंने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी एडवाइस लेने के लिए मैं अपने एक दोस्त के पास गया अब जो मेरा दोस्त था वो मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर था एंड बिकॉज ही वॉज इन टू मार्केटिंग एंड सेल्स मैंने उनसे एक एडवाइस लेना चाहा एडवाइस उन्होंने दी और बिल्कुल जेनवन जो उसके अंदर ड्रॉबैक्स थे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे रिपीट इनकम नहीं आएगी क्योंकि रिपीट ऑर्डर्स नहीं आएंगे और बहुत सारी जो कमियां थी उन्होंने बता दी उसके बाद क्योंकि मैं उनके घर पे ही गया था तो उनके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हुए थे वेल ही वॉज इन टू नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और सब मुझसे एज में बड़े थे तब मैं शायद बीस साल का रहा तो बीस साल का बच्चा उनके सामने बैठा हुआ है और वहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और वो मुझे बोलते हैं कि पुष्कर तुम्हारी ट्रेनिंग के बारे में बहुत सुना है कि तुम अलग अलग जगह जाकर ट्रेनिंग्स देते हो क्यों ना तुम यहाँ पे भी मेरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग दो तो मैंने बोला बिल्कुल जी दे सकते हैं अब मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग दी सिर्फ बीस मिनट की ट्रेनिंग रही होगी वो बट उस बीस मिनट के बाद वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि जैसे ऐसी ट्रेनिंग उन्होंने पहले कभी ली नहीं थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा देखो कोई भी आपको अप्रिशिएट करता है आपको अच्छा लगता है तो जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने बोला भाई तेरा पैशन है पब्लिक स्पीकिंग और तू बोल रहा है कि तेरे को वर्कशॉप कभी कभी करने को मिलती है रोज़ वर्कशॉप्स नहीं होती तो क्यों ना तू मार्केटिंग के अंदर आ जा और मार्केटिंग के अंदर आने के बाद यहां लगातार अपना काम करते रहो रोज ट्रेनिंग देता रही हो अब तू काम नहीं भी करेगा तब भी पैसे कमाएगा क्योंकि अगर तेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करेंगे तो तुझे पैसे भी आएगी और मुझे वहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे लगा कि इस काम को करना चाहिए सो आई केम इंटू नेटवर्क मार्केटिंग और उसमें मैंने अपना एक नया करियर शुरू किया अब था क्या मुझे अंदर से ऐसा था कि मैंने पहले बहुत काम किया हुआ है तो यहां पे आती मैं कामयाब हो जाऊंगा पहले महीने कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आया दूसरे महीने कोई खास इनकम नहीं आई कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं तीसरे महीने भी यह हुआ कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कोई इनकम नहीं अब तीन महीने नब्बे दिन बहुत बड़ा टाइम होता है नब्बे दिन तक मैंने अपने मोटिवेशन को सस्टेन किया फिर मुझे ऐसा लगा कि ये जो बिजनेस है मेरे लिए नहीं है ये जो फील्ड है ये प्रोफेशन है मेरे लिए नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगा एंड मैंने उस फील्ड को उस प्रोफेशन को छोड़ने का डिसीजन ले लिया कि ये मार्केटिंग वाला बिजनेस मेरे से नहीं होगा उस वक्त मैंने अपने कोच को फोन किया जिन कोच को मैंने फोन किया और मैंने बोला जी मैं इस प्रोफेशन को छोड़ रहा हूं आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए तो उन्होंने बोला तू तो भाई किस लिए छोड़ रहा है कि फेल हो गया इसलिए इतिहास को देख ले कि हर इंसान कभी ना कभी जो महान बना है वो फेल हुआ होगा बट बात क्या है कि कौन दोबारा खड़ा हुआ किसने अपने आप को इंप्रूव किया और वो जीत के दिखाया उसने तो मैंने बोला जी बताओ भी कमी क्या है उन्होंने बोला कि क्या तुझे रिक्वायर्ड टेक्निक्स या स्किल्स आती हैं जो मार्केटिंग में चाहिए होता है क्या तू ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है तो मैंने कहा ऐसा तो मुझे कुछ नहीं आता तो उन्होंने मुझे कुछ कोर्सेज कुछ ट्रेनिंग्स रिकमेंड करी देखो जिंदगी में आप कोई भी काम करो आप कोई बिज़नेस करो कोई नया काम करो आप खाना भी बनाना चाहोगे ना तो आपको सीखना पड़ेगा बिना सीखे खाना जल जाएगा और सिमिलरली मेरे साथ हुआ कि मैं एक नई फील्ड में गया और वहां की स्किल्स वहां की टेक्निक्स जो वहां पर रिक्वायर्ड थी मुझे नहीं आती थी एंड दैट वाज़ अ रीज़न कि मैं फेल हो गया और मैंने डिसीजन लिया कि मैं छोड़ दूंगा बट फिर मैंने सीखा द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने सीखा और सीखने के बाद जब मैंने दोबारा काम करना शुरू किया उस बिजनेस से जिसे मैं छोड़ रहा था वहां से मेरी लाखों में इनकम शुरू हो गई अब वो लाखों में जब इनकम शुरू हुई कुछ ही टाइम के अंदर मैं उस कंपनी के अंदर एक टॉप अर्नर बन गया अब जो मैंने पैसे कमाए वहां तक मैं रुका नहीं उन पैसों को मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया ऐसे ही यहाँ पे एक मैं आपको साइकिल बता रहा हूँ नीड टू अंडरस्टैंड अ साइकिल अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है या फाइनेंशियली फ्री होना है आपको बहुत पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको खुद काम करना पड़ता है काम करने के बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो आप कुछ लोगों के साथ टीम डेवलप करते हो फिर आप एक बड़ी टीम डेवलप करते हो जिसे हम एक बिजनेस बोलते हैं और बिजनेस से जब हम पैसा कमाते हैं तब हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है अब मैंने कुछ कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि मेरी और भी कंपनीज ग्रो करने लग गई तो फाइनली अगर आज मैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो जो मेरी सारी कंपनीज का कंपनी है वो दस करोड़ रुपए से ज्यादा साल का <प्रिया> और बड़ी बात यह नहीं कि दस करोड़ रुपए साल का टर्न है ये सौ करोड़ भी होगा एक करोड़ भी होगा बात यह है कि मैं कभी रुका नहीं सी जिंदगी में एक टाइम पे जब मैंने सोचा था कि एक फील्ड में मैं कुछ नहीं कर सकता मैं हार मान चुका था कि ये नहीं होगा मुझसे हो सकता है आज आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपने हार मान ली कि किएगा मेरे से नहीं हो पाएगा मेरे बस का नहीं है उस टाइम पे जैसे मेरे कोच ने मुझे बोला अपने आप से पूछो कहीं तुम वो skills, वो वो स्किल्स नॉलेज लैक नहीं कर रहे जिसकी वजह से तुम कामयाब नहीं हो रहे और दूसरी चीज जिंदगी में कभी रुकना नहीं है कभी हार नहीं माननी लगेगा कि नहीं हो पा रहा नहीं हो सकता बट हार नहीं माननी दोबारा खड़े होना है और करके दिखाना है विद दिस एल एंड ऑफ दिस जोश जोशॉक and thank you so very much and i'll see you all you go self made